रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गत 7 वर्षों से बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती न होने से नाराज शारीरिक शिक्षकों ने बुधवार को परिवार सहित विधानसभा मार्च किया। मैं डॉक्टर रमेश राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ। हम सर पिछले 7 साल से 14 बार आ चुके हैं और हमने 6 बार प्रोटेस्ट कर लिया है। आज हमारी इतनी नौबत आ गई है, हम बाल बच्चे के साथ आज हम इस नौबत में पहुंच चुके हैं कि ये जो हमारे अनुशासन बंद करने वाला काम मजबूर कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए है, अपने से मिलने नहीं दे रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जबकि हमने कहा था कि हमारा प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये बैरिकेड लगा के साबित कर दिया कि ये बिल्कुल अनपढ़ है और ये पढ़े लिखे है, ये साबित कर दिया। फिर पर एक बार बताया जाए, हमारे हिमाचल में एजुकेशन का स्तर कहाँ जा रहा है? आज की डेट में कहाँ जा रहा है? हम 2 नंबर पे थे एजुकेशन के मामले पे, आज हम 18वें नंबर पे चले गए। कारण क्या है? शिक्षक जो है रोड पे है, जो सिखाने वाला है रोड पे है। बेरोजगार सारी शिक्षक स्पोर्ट्स के मामले में हिमाचल जीरो है हिमाचल स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा कौन देगा? स्पोर्ट्स को आगे कौन बढ़ाएगा? सारी शिक्षक जो रोड पे है, हमको बोला शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमको उकसा दिया प्रदर्शन करने के लिए। हम फिर भी शांतिपूर्वक अभी भी चले हुए हैं। हम इनको प्यार से बोल रहे हैं कि खोल दो, हमको जाने दो, लेकिन हमको जाने नहीं दे रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए सर। हमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी सर। यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए, इनको इनको कर दो, जो की गलत बात है। बेरोजगार शिक्षक 7 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तक जू तक नहीं रेंग रहे। बहुत बड़ा दुखद विषय है हमारे लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्कू जी से, सर ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये आपने हमारी इज्जत के रिस्पेक्ट के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, 7 साल बाद हमारे को हालत देखने पड़ रही हिमाचल प्रदेश में, जो की बहुत बड़ा दुखद विषय है। अब सर बोलेंगे जरा कुछ। देखिए सर, सतपाल शर्मा जिला सिरमौर से सर। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।